हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को कभी ये कहते हुए सुना है कि गांव बड़ा अच्छा है, गांव की तारीफ करते हुए सुना है? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी ये सोचा कि उसको हम पोएम में अगर लिख दें तो वो कैसा फील होगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो पोएम स्टार्ट करते हैं। आज की पोएम है हमारी लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। इनिसफ्री जगह का नाम है। वो जगह कहाँ पे है? लेक से घिरे हुए आइलैंड पे है। स्टार्ट करते हैं। दिस वेल नोन पोएम, ये इंट्रोडक्शन है हमारा। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोइट्स लॉन्गिंग्स फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। ठीक है, ये वेल नोन पोएम है, बहुत फेमस पोएम है। इसे अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया है। पोएट की जो क्या है, लॉन्गिंग्स है। लॉन्गिंग्स यानी कि चाहत, किसके लिए? पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, दोनों के सिनोनिम ही है, यानी इन दोनों का मतलब शांति ही होता है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, छोटे में उसने इस प्लेस पे बहुत ही वक्त बिताया है। दिस पोएम इज लिरिकल, यानी ये पोएम क्या है? लिरिक है। लास्ट पोएम हमने रेन ऑफ द रूफ पढ़ा था, वो भी क्या थी? पोएम लिरिकल ही थी। ठीक है, यानी कि मेमोरीज को याद करते हुए कोई पोएम को बताना। स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और चला जाऊंगा, एंड गो टू इनिसफ्री, कहाँ जाऊंगा? इनिसफ्री जाऊंगा, एंड स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पे एक छोटा सा कैबिन बिल्ड करूंगा। बिल्ड यानी बनाऊंगा, किसका बनाऊंगा? ऑफ क्ले, मिट्टी का, एंड बैटल्स का। बैटल्स यानी छोटी छोटी सी लकड़ियाँ होती हैं, स्टिक्स टाइप, वो मुड़ी हुई होती है थोड़ी सी, उनको बैटल्स बोलते हैं। 9 bean rows will I have there, वहाँ पे मैं 9 bean की रो को स्टार्ट करूँगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे वो एग्रीकल्चर यानी खेती करना चाहता है, और वो अपने जो बीन्स है वो कितनी रोज में बोएगा? 9 rows में। अ हाइव फॉर हनी बी, वहाँ पे मैं एक छत्ता भी बनाऊँगा, हाइव यानी एक मधुमक्खी का छत्ता भी बनाऊँगा फॉर द बीज के लिए। ठीक है, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पे अकेला रहूँगा इन द बी लाउड ग्लेड। ग्लेड तो होता है एक ओपन एरिया, बड़ा सा, बहुत ही जगह हो जिसमें, और बी लाउड यानी कि वहाँ पे इतनी शांति होगी कि बी की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, मधुमक्खी की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। फर्स्ट स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा है हमारा, एंड आई शैल हैव पीस देयर, और वहाँ पे मुझे क्या? बहुत ही शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, पीस जो है वो धीरे धीरे वहाँ पे आ जाएगी। चलिए, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। ड्रॉपिंग द वेल ऑफ मॉर्निंग, वेल ऑफ मॉर्निंग यानी सुबह का जो एक तरीके से घूंघट, वेल जो पर्दा होगा वो गिर जाएगा, और स्टार्ट कौन हो जाएगा? गाना गाना, क्रिकेट्स, झिंगुर जैसे होते हैं ना हम बोलते हैं, वैसे वो गाना गाने शुरू हो जाएंगे। उनकी आवाज़ भी उसे कैसी लगती है? गाने की तरह लगती है। देयर मिड नाइट, और आधी रात आ जाएगी। ऑल अ ग्लिमर्स, ग्लिमर्स यानी चमकते हुए तारों की जो रात होगी मिड नाइट में वो, एंड नून अ पर्पल ग्लो। नून कैसी बीतेगी उसकी? आफ्टरनून कैसी बीतेगी उसकी? पर्पल ग्लो के साथ में। ठीक है, पर्पल कलर की रोशनी के साथ में। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग्स, लिनेट एक पक्षी का नाम है, और उसकी इवनिंग कैसी बीतेगी? लिनेट की पक्षियों के आवाज़ के साथ में, या पक्षियों से भरे हुए आकाश के साथ में। कितना सुंदर उसने एक्सप्लेन किया है, देखिए। थर्ड स्टैंजा है हमारा, आई विल अराइज, वो रिपीट कर रहा है, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, मैं चला जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, दिन और रात, हमेशा के लिए वहाँ पे बस जाऊँगा जाके। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, मैं सुन सकता हूँ कि वाटर लैपिंग हो रहा है, लैपिंग यानी टकरा रहा है, विद लो साउंड, हल्की आवाज़ से, बाय द शोर, शोर यानी किनारा, किनारे पे वाटर लैपिंग हो रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है वाटर टकरा रहा है। व्हाइल आई स्टैंड ऑन रोडवे, और यहाँ पे मैं कहाँ खड़ा हूँ? एक रोडवे, रोड पे खड़ा हूँ। पेवमेंट ग्रे, यानी एक ग्रे कलर के पेवमेंट एंड फुटपाथ पे खड़ा हूँ। आई हेयर इट, तब भी मुझे सुनाई दे रहा है, इन अ डीप हर्ट्स कोर, यानी कि मेरे दिल की गहराई में ये मैं सुन सकता हूँ। क्या सुन सकता हूँ? वाटर लैप कर, वाटर टकरा रहा है, किस पे टकरा रहा है? बाय द शोर यानी किनारे पर। कितना सुंदर इसने पूरा इनिसफ्री का एक्सप्लेन किया है राइटर ने। राइटर है हमारे विलियम बटलर रीड्स, ये है जो हमारे आयरिश पोएट हैं, और इन्होंने, इनकी ये जो पोएम है वो अलग अलग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब की गई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रूरल एरिया से अर्बन में शिफ्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद उनको सारा अपना याद आने लगती है अपने गाँव की। ठीक है, हम इस बात को ज़्यादा नहीं पहचान सकते अगर हम विलेज में नहीं रह रहे हैं। विलेज वालों को ज़्यादा याद आती है अपने विलेज की, क्योंकि वहाँ पे जो लाइफ होती है वो बहुत सिंपल होती है, और यहाँ पे सिटी में आके उनकी लाइफ क्या हो जाती है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस तरीके से हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना वीडियो पर मत भूलें, और
प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, इससे मेरे चैनल को एक कदम आगे बढ़ने की हेल्प मिलेगी। थैंक यू।